आपको पता है पबजी मोबाइल लाइट में एक ऐसी आईडी है जिसको आप लोग सर्च करोगे ना तो उसका करेक्टर आप लोग को दिखता ही नहीं है। और ये आखिर हुआ कैसे, ये कैसी ग्लीच है, इसके बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल दूंगा। और गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक आईडी है जिसमें सीजन 5 में कॉन्करर हुआ है। बट गाइस अगर मैं बात करूँ कि इस प्लेयर ने सीजन 5 में खेला ही नहीं, क्योंकि अगर इसकी तुम स्टैटिक्स की बात करते हो तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि स्टैटिक्स में सीजन 4 और सीजन 6 खेला गया, ना कि सीजन 5। तो जब सीजन 5 खेला ही नहीं गया तो यहाँ से कॉन्करर किसे मिला। आप लोग कॉम्पिटेटिव कस्टम्स तो खेलते ही होंगे, बट आपको पता है कस्टम में एस्टॉल के आरपीजी बीआरडीएम ये सब बैन है, फिर भी गाइस आप लोग को काफी सारे प्लेयर्स ऐसा मारते होंगे ना कि आपको लगता हो कि वो कॉन्फिग यूजर या फिर किसी तरीके से हैक यूज कर रहे हैं। बट गाइस वो लोग ना एक ग्लीच का यूज करते हैं जिस ग्लीच के बारे में आपको पता ही नहीं। और कस्टम में आप लोग अक्सर देखते होगे या फिर मैच में देखते होगे काफी सारे प्लेयर्स ना एसकेएस बहुत अच्छा चलाते हैं, और गाइस काफी लोग चला भी लेते हैं, बट कुछ लोग ना एसकेएस को ग्लीच करके चलाते हैं। ये चलाते कैसे हैं इस वीडियो में इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो गाइस पबजी मोबाइल की कुछ फैक्ट और गाइस मिस्टीरियस थिंग्स को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइस आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 मिस्टीरियस थिंग्स। अब गाइस आप लोगों ने टीडीएम वेयर हाउस तो खेला ही होगा, और टीडीएम वेयर हाउस में आप लोगों को पता ही होगा कि ग्लीच होता है जो स्टॉप अप चलाने के बाद अगर आप कार 98 चलाते हो तो आप किधर भी मारो लेफ्ट एंड राइट आपकी बुलेट ऑटोमेटिक जाके प्लेयर पे लग जाती है। ये ग्लीच काफी फेमस है। बट क्या आपको पता है कि अगर हम लोग स्टॉप अप जो गन होती है उसको चलाने के बाद कार 98 ना चलाएं, हम लोग M4 AKM बैरल या फिर कोई भी गन चलाएं, उसमें क्या होगा, क्या उसका भी एम असिस्ट बढ़ जाएगा। तो गाइस सामने ना आप जो वीडियो क्लिप देख रहे हो इस पे ध्यान से देखो, मैं प्लेयर को कहीं भी बुलेट मार रहा हूं बट ज्यादातर मेरा एम ना ऑटोमेटिक बंदे के हेड पे ही जा रहा है। तो गाइस अगर आप लोग स्टॉप अप चलाने के बाद अपनी कोई भी गन चलाते हो M4 AKM या फिर कार 98 स्कारल, आपकी सारी बुलेट ना बंदे की बॉडी या फिर हेड पे जाकर कनेक्ट होने लगती है। बट क्या आपको पता है कि अगर ये ग्लिच को हम लोग मेन मैच में अपने वेरंगा मैच में करते हैं तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस बिल्कुल यार ये ग्लिच ना वेरंगा मैप में भी पॉसिबल होता है। अगर तुम लोग ये स्टॉप अप गन होती है इसको फायर करो, इसको चलाने के बाद ना इसको रिलोड मत करना, इसको चलाने के बाद आप लोग M4 या फिर SKS स्कारल कोई भी गन यूज करते हो ना उसका ऑटोमेटिक एम असिस्ट बढ़ जाएगा, वो अपने आप हेड पे कनेक्ट होने लगती हैं। और गाइस इस ट्रिक का ना काफी ज्यादा प्लेयर्स कॉम्पिटिटिव में यूज करते थे, यहां तक कि आप लोग मैच में भी देखोगे ना तो कुछ प्लेयर 200-300 मीटर यार स्प्रे ऐसे ही मार देते हैं रेड डॉट लगा के। तो गाइस आप लोग को काफी ज्यादा वो लेजिट लगते हैं, बट आप लोग को पता ही नहीं कि वो लोग ग्लीच कर रहे हैं और आप लोग को एक तरीके से बेवकूफ और आपके साथ एक बड़ा वाला स्कैम कर रहे हैं। और गाइस आप लोग को बताना चाहूंगा, गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंडो में गेम खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रस जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम। जैसी स्किल वैसा गेम, तो खेलो और जीतो लाखों के रिवॉर्ड, और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, UPI या फिर बैंक में। सिर्फ गेम्स नहीं शॉपिंग भी करो, विंडो स्टोर पे मिलते हैं असफल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम की करेंसी सबसे सस्ते दामों पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड के डिस्काउंट कूपन भी। और इतना ही नहीं, रोज विंडो स्पिन घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्राइक बना के जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट अप टू 25 लाख। अब विंजो पे इतना कुछ है और कितना बताऊं, विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। टॉप 9 मिस्टीरियस थिंग्स। अब गाइस आप लोग ये आईडी देखो, ये आईडी आप लोग सर्च करोगे ना, सर्च करने के बाद आप जब भी इस आईडी के इंटर करोगे तो आप लोग को ना इसका करेक्टर नहीं दिखेगा, और दूसरी चीज आप लोग को लगेगा कि ये आईडी बैन हो रखी है। बट असलियत बताओ ना ये आईडी बैन नहीं है, क्योंकि इस आईडी से ना आज भी मैचेस खेले जाते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हो आईडी ब्रॉन्ज पे है, इस पे +1 भी नहीं हो रहा, किल हो रहे हैं और मैचेस खेले जाते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि इस आईडी के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है और क्यों इसका करेक्टर गायब हो गया है। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग अपना करेक्टर आईडी बायो पे लिखते हो अपने, और लिखते हो रिक्वेस्ट भेजो और उसके बाद टीम रिक्वायरमेंट से बंदा बुलाते हो तो आपका डाटा हैज बीन चेंज आ जाता है। और यही ट्रिक अगर दो बार करते हो तो आप लोग का टायर रीसेट हो जाएगा और तीसरी बार में आप लोग पूरे सीजन में ही ब्रॉन्ज पड़े रहोगे। बट अगर इस ट्रिक को 5 से 6 से 7 से ज्यादा और कई बार यूज कर लिया जाए तो क्या होगा। तो गाइस उसके बाद पहला तो आपको प्लस नहीं होगा, दूसरा आपका जो करेक्टर होगा ना वही गायब हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी दूसरा प्लेयर आपकी करेक्टर आईडी पे आता है, चेक करता है, तो गाइस आपको ना उसका करेक्टर नहीं दिखेगा, मतलब वो प्लेयर का करेक्टर गायब हो जाएगा। और ये ग्लिच ना पूरे पूरे सीजन ही चलता रहेगा, जैसा कि अभी आप इस सामने वाली आईडी पे देख सकते हो इस आईडी के साथ हुआ है। टॉप 8 मिस्टीरियस थिंग्स। गाइस आप लोग मेरी ये सामने आईडी देख सकते हो, ये आईडी मेरी ही है, काफी समय पहले बैन हो गई थी, बट इस आईडी पे ना आप देख सकते हो मैंने सीजन 5 में कॉन्करर किया था
था और गाइस सी आर डी कुछ समय बाद बैन हो गई। बट आप लोग सोचोगे इसमें क्या मिस्टीरियस है, तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने इसमें सीजन 5 में कॉन्कर किया है, और स्टैटिक्स की बात करते हो ना तो स्टैटिक्स में जाके देखना इसमें सीजन 4 और सीजन 6 जो है वो खेला गया है, इसमें सीजन 5 नहीं खेला गया। तो गाइस जब सोचो कि मैंने सीजन 5 खेला ही नहीं, तो मुझे सीजन 5 को कॉन्कर फ्रेम कहां से मिल गया। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मैंने सीजन 5 खेला नहीं है, मैंने सीजन 5 खेला है, बट पबजी वर्ल्ड में पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि सीजन 5 को आज के टाइम पे हटाया जा रहा है। मतलब तुम कोई भी आईडी ओपन करके देखते हो, कोई भी आईडी देख लो, उसमें ना सीजन 5 हमेशा गायब ही तुमको दिखेगा। जो भी बंदा सीजन 2-3 से खेलता आ रहा है या फिर सीजन 4 से भी, उसके आईडी में सीजन 5 हमेशा से हटाया जा रहा है। आखिर ऐसा सीजन 5 में हुआ क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता, बट क्यों पबजी वर्ल्ड वाले सीजन 5 को हटाना चाहते हैं पूरी तरीके से। और अगर किसी प्लेयर के आईडी पे सीजन 5 दिखता है कि हाँ सीजन 5 उसने खेला, तो गाइस समझ लो कि तुम्हारे पास एक आईडी है जो कुछ ना कुछ हद तक रेयर है, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो प्लेयर सीजन 1 से खेलता आ रहा है, सारे इसके सीजन दिख रहे हैं, बट सीजन 5 ही गायब है। आखिर ऐसा क्यों? टॉप 7 मिस्टीरियस थिंग्स। अब गाइस आप लोग ना एस्ट्रोल्के से काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो एस्ट्रोल्के से बहुत ज्यादा हेट करते हैं, और गाइस एस्ट्रोल्के को कहते हैं कि अगर कोई एक नूबड़े बंदे को भी दे दो तो एस्ट्रोल्के से वो 1v4 कर देगा, और एस्ट्रोल्के गन को इतना ज्यादा हेट देते हैं कि उसको कॉम्पिटेटिव में भी यूज नहीं किया जाता। बट क्या आपको पता है कि पबजी मोबाइल लाइट वालों को ना एस्ट्रोल्के बहुत ज्यादा पसंद है? अब तुम लोग बोलोगे उनको कैसे एस्ट्रोल्के पसंद है, वो तो गेम को भी नहीं खेलते। अब गाइस अगर आप लोग पुराने प्लेयर हो तो 0.17 अगर आप लोगों ने अपडेट को खेला है, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि उस अपडेट में ना शॉटगन का जो एम था उसको बदल दिया गया था, बिल्कुल गाइस M4 AKM जैसे हो गया था। बट इससे ना पबजी मोबाइल लाइट को काफी ज्यादा लॉस देखने को मिला था, जो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेंथ थी ना वो डाउन हो गई थी, क्योंकि इसमें लो एंड डैमेज था और काफी लोग प्लेयर एस्ट्रोल्के को यूज करते थे क्योंकि उनको काफी इस तरीके से बंदे को मार देते थे। और गाइस एस्ट्रोल्के का जब भी एम चेंज हो गया, काफी सारे प्लेयर्स को खेलने में डिफिकल्ट होने लगा, लो एंड डिवाइस के प्लेयर खेल नहीं पाते थे, एम उनका लगता नहीं था, जिसके कारण जो प्लेयर घंटों घंटों खेलते थे वो एक दो मैच खेल के ही गेम को बंद कर दिया करते थे, जिसके कारण हुआ क्या कि PUBG Mobile की जो इनकम थी, अर्निंग थी, वो धीरे धीरे डाउन होने लगी। और इसके बाद होना ही क्या था, PUBG Mobile लाइट वालों ने छोटा सा एक अपडेट देके तुरंत ही शॉटगन का जो क्रॉस एयर था उसको वापस से गोल कर दिया, और गाइस एम असिस्ट वैसे ही का वैसा ही छोड़ दिया गया। टॉप 6 मिस्टीरियस थिंग्स। तो गाइस आप लोग गेम खेलते होगे तो गेम में आप लोग का एक करेक्टर तो कंफर्म ही होगा, लड़की या फिर लड़के का। बट क्या आपको पता है कि लड़की और लड़के करेक्टर दोनों करेक्टर में कौन सा बेस्ट करेक्टर होता है? अगर तुम इनमें से कोई भी करेक्टर चूज करते हो तो गेम खेलने में किसमें आसानी होगी? अब आप लोग भी कहोगे यार हमें भी बताओ जल्दी से, बट मैं ये आप लोग को ना बात फॉर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप प्रवीण भैया को देख सकते हो और उसी के साथ तुषार भाई को देख सकते हो, दोनों के दोनों ने लड़की का करेक्टर ले रखा है। और उसके बाद अगर हम दूसरे यूट्यूबर्स की बात करते हैं तो नीचे है हमारे कोबरा भाई, अब कोबरा भाई की अगर बात करते हैं तो उन्होंने भी लड़की का ही करेक्टर ले रखा है। और उसके बाद अपने महाबली भाई हैं, अगर उनकी भी तुम बात करते हो तो उन्होंने भी लड़की का ही करेक्टर ले रखा है। और गाइस दूसरे यूट्यूबर्स की बात करते हैं जैसे कि लॉयनेक्स गेमिंग, अपने पड़ोसी जिन्होंने लड़की का करेक्टर ले रखा, और क्रिस गेमर ने भी, साथ में और रेंज चलते तो यहाँ पे जाट गेमिंग को देख सकते हो, इन्होंने भी लड़की का करेक्टर ले रखा है। और गाइस और यूट्यूबर्स की बात करते हो तो स्कार गेमिंग, इन्होंने भी लड़की का ही करेक्टर ले रखा है। एंड गाइस आप लोग कॉम्बैट गुरुजी को भी देख सकते हो, उन्होंने भी लड़की का करेक्टर ही ले रखा है। और अगर बाकी यूट्यूबर्स की तरफ चलते हैं तो गाइस बाकी यूट्यूबर्स में अगर आप लोग देखते हो जैसे कि हो गए अपने गेमिंग दुनिया को भी देख सकते हो, उन्होंने भी लड़की का ही करेक्टर ले रखा है। साथ में कोबरा अली हो गए, वो भी लड़की का करेक्टर ले रखा है। और उसी के बाद अगर बाकी यूट्यूबर्स की बात करते हैं जैसे प्रिंस सूरज, इन्होंने भी लड़की का ही करेक्टर ले रखा है। अब गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ज्यादातर यूट्यूबर्स ने ना लड़की के ही करेक्टर ले रखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर मेरी बात करते हो तो मैं तो साइडी ज्यादा खेलता नहीं हूँ, तो मैंने बस लड़का करेक्टर ले रखा है। बट अगर और यूट्यूबर्स की बात करते हैं जैसे अपने प्रिय रावण भाई को भी देख सकते हो, उन्होंने लड़की का करेक्टर लिया है। और गाइस थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे प्राइम आर्मी YTN, इन्होंने भी लड़की का करेक्टर लिया है। साथ में प्राइम कुकी ने भी लड़की का करेक्टर लिया है। अब गाइस आपको बात समझ में आ गई होगी, 99% यूट्यूबर्स ने लड़की का ही करेक्टर लिया है। अब गाइस देखो लड़की का जो करेक्टर होता है, अगर आप उसको लेके खेलते हो तो आप लोग की जो मूवमेंट और गाइस उसी के साथ साथ आप लोग का जो रिफ्लेक्शन होता है वो काफी अच्छा आता है। एंड गाइस अगर आप लोग भी किसी यूट्यूबर्स का मॉन्टाज वगैरह देखते हो ना, तो मॉन्टाज में आप लोग एक चीज नोटिस करना कि वो लोग ना हमेशा लड़की का ही करेक्टर चूज करेंगे उस मॉन्टाज को बनाने में, खेलने में। और गाइस ज्यादातर यूट्यूबर जो होंगे लाइव स्ट्रीमर्स, वो भी लड़की का ही करेक्टर यूज करते हैं। इट मींस आप कह सकते हो कि लड़की का करेक्टर बेस्ट होता है देन लड़के करेक्टर से। मतलब अगर तुम लड़की का करेक्टर लेते हो तो आपके रिफ्लेक्शन और मूवमेंट काफी अच्छे दिखेंगे और अच्छे तरीके से इंप्रूव होकर निकलेंगे। इसीलिए गाइस ज्यादातर 99% पब्लिक और यूट्यूबर्स भी लड़की का करेक्टर चूज करती है। और गाइस इस बात को जानने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आप भी लड़की का करेक्टर चूज करोगे? बाकी गाइस देखो मैंने टॉप 6 मिस्टीरियस थिंग्स बता दिए, टॉप 5 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ना ऑलमोस्ट 10 मिनट की होने वाली और मैं इतनी वीडियो लंबी चाहता नहीं कि आप बोर हो जाओ। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड टाटा बाय बाय, पीस आउट।